ओके आप सबको पता है कि हम किस सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। शिट, आपने थंबनेल को क्लिक किया, आपको तो पता ही होगा किसके बारे में। मैं भी बेवकूफ़। मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स, ये सीरीज द मॉन्स्टरवर्स का हिस्सा है। मॉन्स्टरवर्स के अंदर 4 मूवीज इंक्लूडेड हैं, जैसे कि गॉडज़िला, कोंग द स्कल आइलैंड, गॉडज़िला द किंग ऑफ टाइटंस एंड गॉडज़िला वर्सेस कोंग। और गॉडज़िला वर्सेस कोंग ने तो सबको पता क्या तबाही मचाई थी, मेका गॉडज़िला और गॉडज़िला और कोंग ने। अब टाइटंस की स्टोरी वैसी बड़ी यूनिक है, एक होलो अर्थ है वगैरह वगैरह। ये स्टोरी जो इंसानों की इस एस्पेक्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। हमें पता है कि जब भी हम सिनेमा में जाते हैं हमें मॉन्स्टर को देखने में मज़ा आता है, लेकिन जो इंसानों वाला एस्पेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं इस बात में लैक करता है कि वो उसके अंदर वो मज़ा और वो उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आती है जैसे मॉन्स्टर को देख के। लेकिन उन्होंने ये अच्छा किया कि जब भी हम सिनेमा में जाएंगे तो मॉन्स्टर को देखे चीखे मारेंगे, और जब ये वेब सीरीज़ आएंगे उसकी स्टोरीज़ को देख के तालियां मारेंगे। इस दफ़ा इन्होंने जो सीरीज़ आई है उसमें स्टोरी पे ज़्यादा फोकस किया है, और इसकी स्टोरी आप देखेंगे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है राज खुलते भी जाते हैं और गिराए और बनती भी जाती है। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस स्टोरी की ठीक ठाक समरी के बारे में बात कर लेते हैं। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड का नाम है आफ्टरमैथ, और इस पहले एपिसोड में दो टाइमलाइन बेस है, एक 1950s की और एक 2014 के बाद की, जहाँ पे गॉडज़िला ने सान फ्रांसिस्को की गंदी मारी है और लोगों के फटके हाथ में आ गए हैं कपड़े। और गॉडज़िला का ये काम तो सबसे अच्छा लगा मुझे, जो कि 2014 का रेफरेंस है। इसमें दो सिबलिंग्स दिखाए हैं जो हाफ सिबलिंग्स हैं, उनको अपने बाप के किसी एक ऐसी कंपनी के साथ रिलेशन के बारे में पता लगता है जो कि मॉन्स्टर्स के हवाले से कुछ काम करती है। ये सिबलिंग्स उनकी फाइल के साथ छेड़ाछेड़ी करते हैं, और मुझे 100% यकीन है कि अब इन्होंने उनकी फाइल के साथ छेड़ाछेड़ी की और अगली किस्तों में मोनार्क इनकी ज़िंदगी के साथ छेड़ाछेड़ी करी। और 1950s की जो टाइमलाइन है उसमें बिल रांडा की ओकी और मेरा फेवरेट एक्टर रसल्स, जो कि शान ली का करेक्टर प्ले कर रहे हैं, सॉरी अगर मुझसे किसी का भी नाम मिस प्रोनाउंस हो चुका हो, एक्टर है शान ली का, वो मेरा फेवरेट इसी वजह से है क्योंकि वो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में उसने जो कांड किया था जॉन वॉकर बनके, लोग इसी वजह से उसको गालियां देंगे। अब मुझे पता नहीं है कि मार्वल फैंस कमेंट्स में क्या कहेंगे, लेकिन हम बाद में स्टोरी पे आते। जो शान ली है और बिल रांडा और योकी है, ये तीनों मोनार्क की तरफ से हायर किए गए हैं, जो एक जगह पे मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन है, और कजाकिस्तान का इलाका है, 1950s का टाइम है, और वहाँ पे उन्हें कुछ अंडे मिलते हैं, और बाद में वो मसले से वो क्योंकि शायद लुढ़क जाती है या बच जाती है, वो तो हमें पता नहीं है, शायद मरी जाती है, और यहाँ पे हमारी एपिसोड होती है ख़त्म। तो चलो चलते चलते इनकी कुछ अच्छी बातों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहले अच्छी बातें, इसमें अच्छी बातें, एक मॉन्स्टरवर्स के अंदर सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है, मॉन्स्टर्स। मुझे इतनी उम्मीद है कि इस मॉन्स्टरवर्स के अंदर हमें काफ़ी नए मॉन्स्टर्स के बारे में पता लगेगा, जैसे कि हमें कोंग द स्कल आइलैंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में पता लग गया था कि वो इसके बारे में सीरीज बनाने वाले, और जो शुरू का जो सीन था दो मॉन्स्टर्स के बारे में, मकड़ी और क्रैब का, पता नहीं क्या वो मकड़ा हो रहा था। मैं ये बात से हैरान रहता हूँ कि इतनी रियलिस्टिक कैसे बनाते हैं ये मॉन्स्टर्स, जो कि उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे रियल में थी। अब कोंग द स्कल आइलैंड का उसका कोंग का पानी उठाने वाला सीन देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि क्या ये इनका कितना कमाल का था तब भी। तो अब की बात तो छोड़ दें, और अगली एपिसोड में शायद हमें अगली 5वीं या 6वीं एपिसोड के अंदर गॉडज़िला का भी हमें मिल सकता है कोई रेफरेंस, या भी उसका कैमियो, शायद कैमियो ही था। मैं पहले यही कह रहा था कि ये जो मूवीज़ में अगर इन्होंने एक्शन पैक मूवीज़ या मास मूवीज़ बनानी है उसमें मॉन्स्टर्स के एक्शन सीन अच्छे रखे, लेकिन जब ये ऐसी सीरीज की बात आती है तो ये उसमें स्टोरी मजबूत रखे ताकि जो मास ऑडियंस है वो भी पूरी हो जाए और जो स्टोरी वाली ऑडियंस है वो भी कम्प्लीट हो जाए। और अब इसकी बुरी बातों में बात मैं कहाँ से निकालूँ, इसमें कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आगे बुरी चीज़ होगी। अगर आप इधर तक आ चुके हैं, आपने इतनी वीडियो दे दी है, तो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी बातें हम इसके सेकंड एपिसोड की वीडियो में करेंगे, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ।